रोटी, कपड़ा और मकान, इंसान की यही तो तीन नीड्स होती हैं। पर जब भी वो मकान लेने जाता है तो वो ये देखता है कि उसके ऊपर जो टैक्सेशन है वो कैसे लगेगी। यानी कि मकान खरीदते समय, घर खरीदते समय, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते समय हमारे ऊपर टैक्सेशन का क्या रोल आएगा, यही आज की वीडियो का टॉपिक है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सीए रोहित सेठी, टैक्स फैक्टर इंडिया की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 194IA सेक्शन, यानी कि TDS ऑन दी परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको फुल इंफॉर्मेशन देने वाली है, यानी कि मैं आपको ये बताऊंगा कि कितना TDS काटना है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि TDS जमा करवाते समय यानी कि डिपॉजिट कराते समय आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा और वो फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ये भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं नॉन रेजिडेंट का केस भी डिस्कस करूंगा, यानी कि जब सेलर नॉन रेजिडेंट होगा तब बायर के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन आएंगी, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ये TDS का रोल क्या है। TDS तो साफ साफ आपको पता ही है क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी बायर सेलर से, यानी कि कोई भी एक पर्सन दूसरे पर्सन से इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदता है और वो दूसरा पर्सन फिलहाल हम मान लेते हैं कि रेजिडेंट है, तो अगर कोई भी पर्सन किसी रेजिडेंट पर्सन से अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसको उसका TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि लेट अस से प्रॉपर्टी की वैल्यू 70 लाख रुपीज है, तो भाई 70 लाख रुपए के ऊपर 1% TDS डिडक्ट करना पड़ेगा और 70 लाख का 1% हो गया 70,000 रुपए। इसका मतलब बाकी बचे हुए 69,30,000 वो सेलर को दे देगा। लेकिन क्या प्रॉपर्टी की कोई भी वैल्यू हो सब पे TDS डिडक्ट करना पड़ता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू है तो ही TDS डिडक्ट करना है। अब यहां पे कंफ्यूजन आती है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू 49 लाख है, नहीं करना, 48 लाख है, नहीं करना, 50 लाख है, करना है, हां जी करना है, 51 लाख है, करना है, हां जी करना है। अब 51 लाख अगर है तो क्या सिर्फ 1 लाख पे करना है या पूरे 51 लाख पे? तो ये डाउट मैं क्लियर कर दूं कि आपको पूरे 51 लाख पे TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब 51,000 आपका TDS का अमाउंट बन जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप TDS डिडक्ट करने के बाद उसे सरकार को डिपॉजिट कराओगे, कौन सा फॉर्म आपको भरना है और कैसे आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाओगे जो आपको सेलर को देना है। चलिए डिस्कस करते हैं कि कैसे भरना है ये फॉर्म। डिस्कस ये कर रहे थे कि TDS डिपॉजिट कैसे करना है, यानी कि हमने TDS डिडक्ट करना कैसे है, डिपॉजिट कैसे करना है, कौन सा फॉर्म भरना है, ये समझना है अब हमने। तो सबसे पहले ये अज्यूम कर लेते हैं कि आप बायर हैं, यानी कि आप प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं, सेल नहीं कर रहे। सेल करने वाले के साथ क्या होगा बाद में बात करते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि आप कौन है। आप बायर हैं, प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने TDS डिडक्ट करना है, यानी कि जो आप उसको पेमेंट देंगे उस पेमेंट में से 1% डिडक्ट करके अपने पास रख लीजिए और साथ ही साथ उससे उसका पैन नंबर यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर ले लीजिए। पैन की रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट है सिर्फ पैन की, और अगर वो पैन फर्निश नहीं करता तो हायर रेट पे TDS डिडक्ट होगा। बट अगर वो पैन फर्निश कर देता है, नॉर्मली हर सेलर कर देता है, तो उस केस में 1% TDS डिडक्ट आपने कर लिया। सेकेंड स्टेप क्या करना है आपने, सेकेंड स्टेप आपने अपना गूगल क्रोम या जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं वो खोलना है और आपने उसमें सबसे पहले एक वेबसाइट का नाम डालना है, दैट इज www.tin-nsdl.com। इसके अंदर क्विक लिंक्स के अंदर टैक्स पेमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा, वो टैक्स पेमेंट आप सेलेक्ट करेंगे, उसके अंदर TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी का ऑप्शन आएगा, वो क्लिक करेंगे। फॉर्म 26QB सर्च करना है आपने, फॉर्म 26QB, क्योंकि यही वो फॉर्म है जो TDS ऑन प्रॉपर्टी के लिए यूज किया जाता है। एक बार आप फॉर्म 26QB पे क्लिक कर देंगे तो आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा इस फॉर्म को फिल करने में, जिसमें आपने बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। बेसिक डिटेल्स यानी कि आपने अपना परमानेंट अकाउंट नंबर, आपने सेलर का परमानेंट अकाउंट नंबर, प्रॉपर्टी की डिटेल्स, प्रॉपर्टी किस वैल्यू पे आप परचेस कर रहे हैं, TDS का अमाउंट कितना है, ये सब आपने यहाँ पर फिल करना है। एंड फिल करने के बाद आप जब प्रोसीड करेंगे तो वो आपको कहेगा कि टैक्स डिपॉजिट करिए। इसके बाद आप टैक्स उसी टाइम डिपॉजिट कर सकते हैं यूजिंग नेट बैंकिंग, और आप चाहें तो एक चालान जनरेट करके रख लीजिए और 7 दिन के अंदर अंदर आप पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि 7 दिन के बाद ये फॉर्म 26QB जो आपने भरा था ये इनवैलिड हो जाएगा। एक बार जब आप
टैक्स डिपॉजिट कर देंगे गवर्नमेंट को, यानी कि आपने 26Q भी फिल कर दिया, इसके बाद आपको 2 या 3 दिन के अंदर अंदर एक फॉर्म, एक सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है एक अलग वेबसाइट से। वो अलग वेबसाइट कौन सी है? वो अलग वेबसाइट है www.tdscpc.gov.in, यानी कि आप tdscpc.gov.in खोलेंगे, वहां पर आपको रजिस्टर करना है एज अ न्यू यूजर और टैक्स पेयर आपने क्लिक करना है। टैक्स पेयर पे क्लिक करके वो आपसे आपकी सारी बेसिक डिटेल्स फिर से मांगेगा, आप एज अ न्यू यूजर रजिस्टर हो जाएंगे और लॉग इन करके आप टैक्स सर्टिफिकेट, यानी कि वो जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। वो सर्टिफिकेट आपने फर्निश करना है किसको? अपने सेलर को, कि देखो मैंने आपका TDS काट लिया है, राइट? अब अगर आप सेलर हैं तो आपकी क्या ड्यूटीज हैं? भैया देखो, सबसे पहली ड्यूटी आपकी ये है कि आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर फर्निश करना है बायर को, और दूसरी आपकी ड्यूटी ये है कि एक बार जब वो आपको फॉर्म 26QB और सर्टिफिकेट की कॉपी दे देते हैं तो आपने अपने 26AS फॉर्म में चेक करना है कि क्या वो TDS कटा हुआ रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये प्रोस्पेक्ट मैंने रेजिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया था, जहां पे बायर सेलर दोनों रेजिडेंट थे और ये पूरा का पूरा जो ट्रांजैक्शन हुई थी उस पे TDS कैसे कटा और कैसे डिपॉजिट हुआ। अब अगर सेलर नॉन रेजिडेंट है, यानी कि आप एक ऐसे पर्सन से प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं जो नॉन रेजिडेंट है, तो कितना TDS काटना है, इस कंफ्यूजन को हमारा वीडियो का नेक्स्ट पार्ट दूर कर देगा। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी एक वीडियो है जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उस पर आपको कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करना है और साथ ही साथ उस कैपिटल गेन को आप कैसे बचा सकते हैं। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही बढ़िया और आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। चलिए बात करते हैं, अगर बायर रेजिडेंट है और सेलर नॉन रेजिडेंट है तो क्या टैक्स इंप्लीकेशंस, यानी कि TDS कैसे लगेगा। तो इस केस में जो सेलर है वो नॉन रेजिडेंट है और बायर रेजिडेंट है, और अगर बायर परचेज करता है प्रॉपर्टी किससे? नॉन रेजिडेंट से, तो उस केस में बायर TDS डिडक्ट करेगा। कितना, ये अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन क्या यहां पर भी 50 लाख की एग्जम्पशंस है? नहीं है, यानी कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ भी हो TDS तो डिडक्ट करना ही पड़ेगा, राइट? अब बात ये आती है यहां पर कि सिंपल सी बात ये है कि भाई जो सेलर है उसने प्रॉपर्टी को कितने टाइम तक होल्ड किया था। सेलर ने प्रॉपर्टी 2 साल से कम होल्ड करी है या 2 साल से ज्यादा होल्ड करी है? क्योंकि अगर 2 साल से कम होल्ड करी है तो उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा विच इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ स्लैब रेट्स, यानी कि स्लैब रेट के बेसिस पे टैक्स निकलेगा और उतना ही TDS हमें डिडक्ट करना पड़ेगा। और अगर उसने प्रॉपर्टी 2 साल से ज्यादा होल्ड करके रखी है तो उस केस में वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलवाएगा। अब ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ये वो खुद नहीं निकालेगा, ये वो जाएगा अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, अपने वार्ड के कमिश्नर के पास, और उनसे वो सर्टिफिकेट लेकर आएगा कि मेरा कैपिटल गेन इतना बनता है उसके ऊपर इतना टैक्स कटना चाहिए। बट अगर सेलर के पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि इसमें 15 से 30 दिन लग जाते हैं लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट लेने के लिए, इसे हम लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट भी कहते हैं, कि अगर उसका कैपिटल गेन जो बनता है वो उतना ज़्यादा नहीं है कि TDS कटना चाहिए, तो वो अपने कमिश्नर से LDC यानी कि लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट ले सकता है। बट अगर उसके पास 15 से 30 दिन का टाइम नहीं है तो उस केस में बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, यानी कि जिस रेट पे वो प्रॉपर्टी को परचेस कर रहा है, सीधा सीधा उसका 20% TDS काटना पड़ेगा, यानी कि 20% TDS कटेगा और उसके ऊपर सरचार्ज भी लगेगा, सेस भी लगेगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखो तो इस टेबल के अंदर साफ साफ दिख रहा है कि टैक्स 20% है, प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से सरचार्ज 10%, 20%, 30% जो भी सरचार्ज है, और उसके हिसाब से वैल्यू निकाल दिया कि फाइनल जो TDS कटेगा उसका रेट क्या होगा। तो लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट लेना ऑब्वियसली बेनिफिशियल है, पर वो टाइम कंज्यूमिंग भी है। इसीलिए कई जो सेलर्स होते हैं जिनको मान लो जल्दी जाना होता है इंडिया से बाहर, तो वो क्या करते हैं, वो TDS कटवा कर चले जाते हैं और नेक्स्ट ईयर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरकर अगर उनका टैक्स कम बनता है तो बाकी बचा हुआ अमाउंट वो रिफंड ले लेते हैं। इस केस में जो बायर होता है, मान लीजिए आप बायर हैं और आप सेलर यानी कि NRI से प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, तो उस केस में आपको टैक्स डिपॉजिट कराने के लिए आपको जो चलान भरना है वो 281 नंबर का चलान होता है। वो 281 चलान नंबर के थ्रू आप टैक्स डिपॉजिट करेंगे, TDS डिपॉजिट करेंगे, और जिस क्वार्टर में आपने प्रॉपर्टी को खरीदा है, यानी कि मान लीजिए आपने मई में खरीदा है,
तो अप्रैल मई जून वाला क्वार्टर है, तो आप जून से जो नेक्स्ट मंथ है यानी कि जो सबसीक्वेंट मंथ आता है दैट इज जुलाई, उसके अंदर आपको रिटर्न भरनी पड़ती है अपने TDS की। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है और आप ये वीडियो सबसे शेयर करेंगे जितने भी आपके फ्रेंड्स इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने का या बेचने का सोच रहे हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।